hello student myself sarita today we discuss the second part of newton's ring in this part we discuss about applications of newton's ring first application of newton's ring is determination of wavelength and second application of newton's ring is determination of refractive index अब हम फर्स्ट पार्ट में डिटरमाइन करेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ जो आप सोर्स यूज कर रहे थे स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सप्लेन किया था जिसके अंदर हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहे थे दैट इज सोडियम लैम्प उसकी अब हमने वेवलेंथ निकालनी है विद दी हेल्प ऑफ न्यूटनज रिंग इन दी लैब बाय मेजरिंग द डायामीटर ऑफ न्यूटन रिंग विद ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप वी कैन डिटरमाइन दी वेव लेंथ ऑफ दी मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड एलिमिनेट द फिल्म आप लोगों ने जब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हमने जब डायामीटर मेज़र किया था उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे वेवलेंथ निकालेंगे जो हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी इन लास्ट सेक्शन वी डिटरमाइन द रेडियस ऑफ एनथ रिंग इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम रिफ्लेक्टेड सिस्टम के अंदर हमने ब्राइट और डार्क रिंग की रेडियस निकाली थी आपके पास ब्राइट रिंग के लिए जो रेडियस आई थी वो क्या थी एन प्लस वन बाई टू इन टू में लैमडा अपॉन में म्यू का स्क्वेयर क्यारू सिमिलरली आपके पास डार्क रिंग के लिए जो रेडियस आया था वो हमारे पास क्या था एन लैमडा आर अपोन में म्यू का स्क्र रूट अब हमारे पास जो फिल्म बन रही है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में ये आपके पास एयर फिल्म थी तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है वन हम म्यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे वन एंड डाया इज ट्वाइस ऑफ़ दी रेडियस देन डायामीटर आपके पास ब्राइट रिंग का क्या होगा डी एन इज इक्वल टू दी टू इंटू में एन प्लस वन बाई टू इंटू लैमडा आर का स्क्यर रूट डार्क रिंग के लिए आपके पास डायामीटर क्या होगा डी एन इज़ इक्वल टू टू इंटू में एन लैमडा आर का स्क्यर रूट अब हमारे पास ब्राइट रिंग एंड डार्क रिंग के लिए डाया आ चुका है इसका आप क्या करोगे स्क्यर करोगे डी एन फोर ब्राइट रिंग के लिए जब आप स्क्र करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डी एन स्क्र की वो क्या होगी टू इन टू में टू एन प्लस वन इन टू लैमडा आर ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी ब्राइट रिंग के लिए सिमिलरली डार्क रिंग के लिए जो आपके पास इक्वेशन आ रही थी डी एन इज इक्वल टू तो टू इन टू में एन लैमडा आर का स्क्वेयर रूट उसको हम अब हम क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे तो डी एन स्क्यर फोर डार्क रिंग आपके पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू फोर एन लैमडा आर अब हमारे पास क्या है मेजर द डायामीटर ऑफ डी एन प्लस एमथ रिंग तो डी एन प्लस एम एथ रिंग का डायमीटर हम कैसे निकालेंगे डी स्क्वेयर एन प्लस एम इज़ इक्वल टू टू इंटू में टू एन की जगह पे आप फर्स्ट इक्वेशन में क्या पुट करोगे एन प्लस एम प्लस वन इंटू में लैमडा आर सिमिलरली डार्क रिंग के लिए भी अब हम क्या करेंगे डी एन प्लस एम एथ रिंग का डायमीटर आपके पास क्या होगा फोर इंटू में एन प्लस एम इंटू मे लैमडा आर अब हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इक्वेशंस आई हैं अब क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम दी थर्ड फर्स्ट ब्राइट रिंग की जो इक्वेशन आ रही है और जो थर्ड ब्राइट रिंग की इक्वेशन आ रही है थर्ड में से आप फर्स्ट को माइनस करोगे सिमिलरली जो आपके पास सेकंड और फोर्थ डार्क रिंग की इक्वेशन आ रही है सेकंड में से हम फोर्थ में से हम सेकंड डार्क रिंग की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी फोर एम लैमडा आर यहाँ देखिए मैंने सॉल्व भी किया है फोर एन प्लस एम लैमडा आर माइनस फोर एन लैमडा आर फोर एन लैमडा आर प्लस फोर एम लैमडा आर माइनस फोर एन लैमडा आर फोर एन लैमडा आर से फोर एन लैमडा आर कैंसल हो जाएगा और आपके पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी फो फोर एम लैमडा आर ये देखिए आपके पास जो वैल्यू आ रही है डी एन प्लस एम का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एम लैमडा यहाँ से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो वेवलेंथ के फैक्टर को बाहर कर देंगे और फोर एम लैमडा को हम इस स्टाम लेफ्ट हैंड साइड इसके नीचे ले जाएंगे तो आपके पास वेव के लिए क्या फैक्टर आएगा डी एन प्लस एम का स्क्वेयर माइनस डी एन का स्क्वेयर फोर एम आर तो यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं अगर हमारे पास आर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो एन एथ रिंग का डायामीटर पता हो और एन प्लस एम एथ रिंग का डायामीटर पता हो तो हमारे पास जब ये सारी वैल्यूज़ होंगी तो हम यहाँ से जो आप सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हो उसकी वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंड एप्लीकेशन इसकी क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड बाय ए न्यूटन रिंग द ट्रांसपेरेंट लिक्विड हुज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज टू बी डिटरमाइंड इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट अगर हम इस प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस और ग्लास प्लेट के अंदर लिक्विड इंजर्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक लिक्विड फिल्म बनेगी उस लिक्विड फिल्म का हमने refractive इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो आप वो कैसे करोगे यहाँ देखिए हमारे पास जो diameter की वैल्यू थी डी एन प्लस एम का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्र फॉर लिक्विड इज़ इक्वल टू क्या होगा फ़ोर एम लैमडा आर अपॉन में म्यू पीछे हमने एयर फिल्म ली थी इसलिए हमने यहाँ पे म्यू इज़ इक्वल टू वन कर दिया था लेकिन अब हमारे पास लिक्विड फिल्म है तो उसका हमने वैल्यू क्या रख दी म्यू अब आप यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालोगे तो म्यू को बाहर कर देंगे देन म्यू के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी फोर एम लैमडा आर अपॉन में डी एन प्लस एम का स्क्वेयर माइनस डी एन का स्क्वायर ऑफ लिक्विड अब जब हमारे पास वेवलेंथ पता हो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस पता हो और एनएथ रिंग का प्लस अन, प्लस रिंग का डायामीटर अगर हमें पता है तो हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसका जो हमारे पास लिक्विड है ये देखिए नॉइंग द वैल्यूज ऑफ एम डा आर एंड डी एन प्लस एम स्क्र माइनस डी एन स्क्र ऑफ लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज डिटरमाइट इसका एक और केस भी बनता है वैन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नॉट नोन अगर हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट का नहीं पता कि हम कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज़ कर रहे हैं तो आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे उस केस में हम क्या करेंगे फर्स्ट वी मेज़र द डाया ऑफ एन एनथ डार्क रिंग विद एयर फिल्म पहले हम एयर फिल्म को लेकर एन्थ डार्क रिंग का डायामीटर निकालेंगे आफ्टर दिस वी इंट्रोड्यूस द लिक्विड फिल्म उसके बाद हम क्या करेंगे उस फिल्म के अंदर कोई लिक्विड रख देंगे तो उस लिक्विड फिल्म का हम क्या लेंगे डायामीटर लेंगे एनत्थ रिंग का देन अगेन मेजर द डायामीटर ऑफ सेम एथ रिंग तो आपके पास डी एनस्वियर डायामीटर ऑफ द एन्नथ रिंग इन एयर क्या होगा फोर एन आर लैमडा अपॉन में म्यू ए म्यू ए की वैल्यू क्या होगी वन तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी डी एन स्क्वायर की फोर एन आर लैमडा अब आपके पास डी एन स्क्वायर फोर लिक्विड फिल्म के लिए आपके पास क्या होगा फोर एन आर लैम्डा अपॉन में म्यू डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू जब आप डी एन स्क्र ऑफ एयर डिवाइडेड बाय डी एन स्केयर ऑफ लिक्विड करोगे तो आपके पास फोर एन आर लैमडा फोर एन आर लैमडा कैंसल एंड म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू इज़ इक्वल टू दी डी एन स्केयर ऑफ दी एयर अपॉन में डी एन स्क्र ऑफ द लिक्विड यानी कि अब अगर हमारे पास एन एथ रिंग का डाया इन एयर फिल्म एंड एन एथ रिंग का डाया इन लिक्विड फिल्म पता है तो आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो जो आपके पास लिक्विड फिल्म है उसका जब आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नॉट नॉन है इन न्यूटन रिंग विद व्हाइट लाइट अब हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं कि न्यूटन रिंग विद वाइट लाइट अगर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स को रिप्लेस कर देते हो वाइट लाइट से तो आपके पास रिंग्स पैटर्न जो आएगा वो कैसा ऑपटेंड होगा विद मोनोक्रोमेटिक लाइट न्यूटन रिंग्स आर अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट एंड डायामीटर डिपेंड्स ऑन दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड बट विद वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ आपको पता है वाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर्स आपके पास डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट वेव लेंथ होंगी तो दे फॉर यूजिंग वाइट लाइट कलर्ड रिंग्स आर ऑब्जर्वड ओनली फ्यू कलर रिंग्स ऑब्जर्व एंड आफ्टर ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द रिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स नो रिंग्स ऑब्जर्वड आपको एक लिमिट पोर्शन तक क्या मिलेंगी कुछ कलर्ड रिंग्स मिलेंगी देन आफ्टर दिस आपके पास क्या होगा ओवरलैपिंग होगी इन द कलर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ द रिंग देन आपके पास नो रिंग्स ऑब्जर्वड होंगे सेंट्रल फ्रिंज इन न्यूटन्स रिंग इज डार्क सेंट्रल फ्रिंज हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी सेंट्रल फ्रिंज आपके पास न्यूटन रिंग के अंदर क्या आता है डार्क क्यों आता है ये देखिए कंडीशन ऑफ मिनिमा हमने फाइंड आउट की थी टू म्यूटी कोस आर प्लस अल्फा इज़ इक्वल टू एन लैमडा फोर नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ आर क्या होगा जीरो फोर फिल्म आपके पास अल्फ़ा जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा था वो हम क्या लेके चल रहे थे वेरी वेरी स्मॉल क्योंकि आपके पास एक थिन एयर फिल्म बनती है बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड द ग्लास प्लेट तो जो वहाँ पे एंगल बनता है बिटवीन द एयर फिल्म अल्फ़ा वो भी क्या होगा वेरी वेरी स्मॉल तो उसको भी हमने क्या लिया ज़ीरो तो टू म्यूटी इज इक्वल टू एन लैमडा ये इक्वेशन हो जाएगी आर प्लस अल्फा को ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है वन तो टू म्यूटी इज इक्वल टू एन लैमडा तो टी आपके पास एट द सेंटर हमने क्या लिया था एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर टी इज इक्वल टू जीरो सो तो सेंट्रल फ्रिंज इज डार्क